हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम है सूरजमल। मैं करने जा रहा हूँ चैप्टर 2, 9th क्लास, पॉलीनोमियल। ठीक है, मैं 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँ इससे पहली वाली वीडियो में। अब ये सेकंड लेक्चर है, इसमें कराएंगे 2.2 एक्सरसाइज। तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए। ठीक, एग्जाम आने वाले हैं, मुझे उम्मीद है सब समझ लोगे अच्छी तरह, पूरा गाइडेंस। एक एक बेसिक चीज देखो, पहले में क्या होता है, 2.1 एक्सरसाइज पहले करा चुका हूँ मैं, अब 2.2 कराऊंगा। इसमें सारे देखो, मैंने पीछे क्या सिखाया बता रहा हूँ तुम्हें, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, डिग्री, ये सब चीज बता चुका हूँ मैं। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं फाइंड जीरोज और इसमें और वैल्यू फाइंड करेंगे। जब एक्स की वैल्यू गिवन है तो फाइंड करेंगे हम। तो जरा ध्यान दीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2। कौन सी? 2.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा है पॉलिनोमियल, मतलब पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। इसे पी एक्स से कितना दे रखा है, ये तो रखा है 5x, 4x² +3। ठीक, और पहला केस क्या है, एक्स इक्वल कितना है, 0। तो पता क्या करोगे, एक्स इक्वल यहाँ 0 पुट कर दो, तो क्या ऐसे बस ऐसे पुट कर दो, ओनली 0। क्या रखोगे, 0। अब देखिए 5 इंटू कितना 0, 4 इंटू 0 कितना 0 +3, तो आंसर कितना आएगा, 3 आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड, ओनली वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। और जैसे एक्स इज़ कितना रखना है, -4, -1 रखना, सॉरी कितना, -1 रख दिए इसमें। पी पे -1 = 5 पे -1 ऐसे। ठीक है, इसका इससे कीजिए, 5 * 5, इसका क्या होगा, देखो -1 का स्क्वायर बराबर पता क्या होगा, 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 * कितना होगा 3। ठीक, 5 - 4 +3, ये हो गए कितना, हो गया आपके -9 + 3 कितना आएगा 6। ऐसे सॉल्व करना है, मतलब वैल्यू पुट करनी है, -1 इसमें पुट कर दो, या 5 - 1 4, -1² + 3, 1 का² * 4 4 बीता आया, और 5 * 1 -5 आया। ठीक है, -4 - 5 - 9, ये आ गया आंसर। क्लियर समझ आ गई ना, कि क्लियर हो गया, ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1, सर थर्ड पार्ट हो ही जाएगा, और मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों समझ आ गई ना, कि आराम समझिए तसली से एक चीज। क्वेश्चन नंबर है आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है आपको, सेम ऐसी है जैसे पहला पॉइंट है P0, P1 कितना है, P2। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, PY = कितना है, Y² - Y+1, Y² - Y+1। अभी क्या, P0, P मतलब जानते हो, 0 0 पुट करना बस, 0² - 0+1, 0 - 0+1 कितना आएगा, 1। अब आता है P1, एक तो ये टॉपिक रखना P0, अब P1, अब वाई जब क्या रखना, वाई की जगह वह क्या रखना, 1, देखिए यहाँ पे 1 रख दिया, 1² - 1+1 ऐसे, इससे कट गया जी, कितना है 1। अब P कितना रखना है, 2, क्या रखना है, P क्या रखना है, 2 रखना है, 2 हर जगह रख दो, तो कितना आएगा बताइए, 2 का यहाँ रख दो,
टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, कितना है टू दूजा फोर, कितना हो गई प्लस टू वन कितना आया थ्री, इसकी वैल्यू आ गई ना, आ गई इसकी वैल्यू थ्री आ गई, तो आंसर आ गया ना थ्री आ गए, वन टू थ्री, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ओनली कुछ नहीं करना, वैल्यू यहाँ टू है तो टू हर जगह फुट कर दो इसमें, टू 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 सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों समझ आ गई ना, कि ऐसे ही क्वेश्चन कौन सा करना है फोर्थ कर देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है, बाकी दो क्वेश्चन होमवर्क कर लेना कोई दिक्कत नहीं। पी एक्स कितना है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन क्या रखना यहाँ पे वही देखो पी जीरो जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन कितना आया माइनस वन इंटू वन कितना आया वन, अब पी क्या रखना है वन, देखो वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन कितना आया, वन माइनस वन कितना आया जीरो, इंटू टू कितना आया जीरो, अब पी कितना आया टू, और टू रखे तो हर जगह टू इसमें रखना है, टू माइनस वन और टू प्लस वन कितना है वन इंटू थ्री, थ्री आया नहीं आया बच्चों, अरे टू माइनस वन वन आया और टू प्लस वन कितना आया थ्री, तो थ्री वन बन जा थ्री, ये आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन नंबर कराएंगे थर्ड, क्वेश्चन कौन सा कराएंगे थर्ड, समझ आया क्लियर, ये पहले पुट करनी और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन कराएंगे थर्ड करने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा, देख लो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें वैल्यू पुट करने का कुछ नहीं करना, इसमें इसमें हमें क्या करना है वैल्यू पुट करना है, अच्छी तरह सीख लीजिए, पहला पार्ट क्या कहता है थ्री सॉरी पी एक्स इजिकल टू थ्री एक्स प्लस वन, अच्छा एक्स बराबर कितना दे रखा है बताइए वन अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री ध्यान रख दीजिए थ्री वन अपॉन थ्री प्लस वन, समझ आ गई ना, कि एक्स की वैल्यू पुट कर तो पुट पुट तो कितना थ्री से थ्री का आंसर हो कितना आया टू आंसर आया। ठीक ऐसे सेकंड पार्ट ऐसे फोर्थ पार्ट ऐसे फोर्थ फिफ्थ सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक तो इसका फोर्थ करा देता हूँ मैं, क्या लिखा है एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू पी एक्स, अब क्या रखना है एक्स वैल्यू क्या रखना है तुम्हें माइनस और टू, तो माइनस वन प्लस वन वन माइनस टू, ठीक है क्या रखना है एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, तो पहले क्या रखेंगे पुट कीजिए पुट पुट एक्स के कितना रखेंगे माइनस वन रखिए माइनस वन रखिए माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस टू कितना है जीरो इंटू माइनस थ्री कितना आएगा जीरो इंटू थ्री जीरो आएगा, ऐसे करना है। ठीक अब इसका सेकंड पार्ट ठीक है रखना दो, अब क्या रखना टू रखना टू टू हर जगह रख दो टू हर जगह टू टू प्लस वन टू माइनस टू कितना आया थ्री इंटू जीरो कितना आएगा जीरो, क्लियर वेरीफाई करना है आर जीरोज एंड इंडिकेट अगेन देम वेरीफाई मतलब जीरो है या नहीं, ठीक वेरीफाई हो गया, अगर जीरो आता है तो
तो क्या है वेरीफाई है, मेरा तो नो वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर कितने का रहा, कोई क्वेश्चन थर्ड में नहीं चल रहा है, थोड़ा कोई पार्ट कर लो कोई भी। ये कर लो, कितना है पी एक्स, कितना है 3x2 - 1, 3x2 - 1, तो क्या फुट करना है बताइए। -1/√3, तो 3 1/√3 फुट के लिए ऐसे -1 का होल स्क्वायर, 3 × कितना है 1/3 तो आएगा, इससे इस कट गया, कितना आया 0, कितना आया हाँ 0, ये आंसर आया 0 हो जाया, इट इज 0। फॉलोइंग आर जीरोज इंडिकेट अगेंस्ट देम, तो हमें लिख सकते हैं वी गेट, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1/√3 इज 0 ऑफ किसका पी एक्स का, इसका ही 0 है, 0 है। ओके विद दैट्स नाइट फाइन, क्वेश्चन थर्ड ही चल रहा भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, और इसका करा देता हूँ कौन सा सेकंड पार्ट। अब फुट क्या करना है 2/√3, अब फुट ये करना है, पहले तो फुट क्या करा, ये वाली फुट करी वैल्यू मैंने, ठीक है अगर 2/√3 तो बोलिए 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 × 4/3 इसका उल्टा को इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर आया कितना आया 4 - 1 इक्वल कितना आएगा 3 आंसर आएगा। ठीक समझ आ गई ना, कि ऐसे क्वेश्चन करते चले जाएंगे, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया होंगे। चलो एक एलएम वाला करके दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 7, इजी बहुत है, पी एक्स वैल्यू कितना है एल एक्स प्लस एम, एक्स के अंदर रखा है एम अपॉन एल, तो पी कितना है एल अपॉन एम रख दो, एल यहाँ पे एम अपॉन एल प्लस एम, क्या कर दिया यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, एल से एल कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई होता ना -m + m कितना आएगा 0, आंसर कितना आया 0, ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक समझ आ गई ना, कि तो मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ गई होगी, और सब इंटरेस्ट लीजिए, एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। क्वेश्चन नंबर कराते हैं 4th, क्वेश्चन कौन सा कराते हैं 4th। ठीक मैं इस वीडियो को लाइक, ठीक है लाइक एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकन दबाएं, ठीक और सब्सक्राइब करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 4, ठीक है बच्चों कैसे चल रही गाड़ी, तो पी एक्स इजिकल कितना आएगा x + 5, इसका फाइंड क्या हो गया फाइंड जीरोज, जीरोज का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालनी है ओनली एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या एक्स की वैल्यू कब निकालेंगे जब पी एक्स बराबर 0 पुट करेंगे हम, क्या करेंगे 0, ये हो जाएगा और 0 के लिए पी एक्स इज क्या रख देंगे 0, ऐसे कर देंगे समझ आ गई ना, कि क्या रख देंगे यहाँ पे 0 यहाँ पे, अब इधर को x + 5 इजिकल क्या रख देंगे 0, एक्स कितना किसका हो जाएगा -5, ये आंसर आएगा, आंसर आया नहीं आया, ये 0 हो जाएगा, क्या आया 0 = 5, तो फर्स्ट पार्ट था ये, ऐसे थर्ड करना है px = 2x + 5, यहाँ क्या रख देंगे यहाँ पे 0
एक्स प्लस फाइव इज कितना आएगा जीरो, माइनस फाइव अपॉन ये टू आ जाएगा नीचे, आंसर आ नहीं आया ऐसे जीरो। मतलब एक्स की वैल्यू दिखानी, इसमें क्या दिखानी है, एक्स की वैल्यू दिखानी है। बहुत इंटरेस्ट आया पढ़ने में, इतना ईजी चैप्टर है, इतना ईजी। अगर किसी बच्चे का सेवन्थ एथ का बेसिक दे रहा ना, तो ये चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है नाइन्थ क्लास के इसमें। देख कितना ईजी ईजी आंसर आ रहा है। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, पी एक्स कितना थ्री एक्स, कितना थ्री एक्स, तो क्या जीरो कर देंगे हम यहाँ पे, कितना आएगा अपॉन थ्री इधर ले आना जीरो, ऐसा कितना आएगा जीरो। अरे कैसे, थ्री का डिवाइड इसमें कर दो, थ्री का डिवाइड इसमें जीरो आएगा, कितना आएगा जीरो आएगा, ठीक ओके वेरी नाइस। अब जैसे सिक्स पार्ट है, पी एक्स कितना है ए एक्स, कितना है जैसे नंबर वहाँ थ्री था ना वहाँ पे ए एक्स है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, सिमिलरली क्वेश्चन आर सॉल्विंग, नो एनी डिफिकल्ट, ओके। एक्स इजिकल टू जिसका डिवाइड कर दो इसमें, एक्स इजिकल टू जाएगा, देखो जैसे हम जीरो से पुट कर लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट समझ आ गई ना भाई, एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू जीरो, एक्स इजिकल टू जीरो फोन ए आ जाएगा, इजिकल टू कितना आ जाएगा फुट कर डिवाइड करेंगे इसमें भाई, एक ही डिवाइड इसमें कहते जीरो आएगा, सुन लो जीरो अपॉन फाइव पूछे तो जीरो, और फाइव अपॉन जीरो पूछे तो इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना साइड में। इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी का मतलब नो डिफाइन, इसका कोई अंत ही नहीं है, इसका कोई नो डिफाइन मीन नो एंड, नो लिमिट, कोई अंत ही नहीं है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन पकड़ने जा रहे हैं लास्ट, बता दें इसको कि आसान तरीका था, एन दी एक्स की वैल्यू दिखानी बस, सॉरी वेरी इजी। कितने दिन रखा है क्वेश्चन नंबर आपका है सेवेंथ पार्ट में, क्या कहता है सी एक्स प्लस डी और या पी एक्स, ये तो है पी एक्स सी एक्स प्लस डी। आप देखिए सी एक्स प्लस डी इजिकल टू क्या रख देंगे हम, जीरो कर दीजिए, सी एक्स प्लस डी इजिकल टू कितना आएगा जीरो, तो माइनस डी सी एक्स आ गया, तो एक्स कितना आएगा माइनस डी अपॉन सी, डी को उधर ले आइए नेगेटिव हो जाएगा, सी को अपॉन में कीजिए माइनस हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा ये, इसे कहते हैं जीरोज, क्या कहते हैं जीरोज, क्लियर सच्चो समझ आ गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज कौन सी है 2.3, 2.3 समझ आ गई ना, एक्सरसाइज आसान थी ना 2.3, 2.3 करने जा रहे हैं, इसमें डिवाइड करने का होता है, ठीक डिवाइड करने वाला सिखाएंगे इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ताकि हर चीज समझ जाए अच्छी तरह, ओके। फाइंड द रिमाइंडर डिवाइड बाई दिस, ठीक बच्चों तो इसमें क्या करना है डिवाइड बाई दिस, जिसमें दो रूल होते हैं, एक तो डिवाइड करते हैं पुट करते हैं वैल्यू, ऐसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, क्या कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन इज फुल एंड रिमाइंडर वन, ओके। एक फॉर्मल लिख देता हूँ मैं, इसमें डिवाइड करने वाला है, तो देखो क्या होता है डिवाइडेंट, क्या होता है डिवाइडेंट इजिकल टू था डिवीजर, क्या होता है डिवीजर, डिवीजर इनटू मल्टीप्लाई, क्या होता है क्वेश्चन क्यू यू आई, क्या होता है क्वेश्चन, डिवीजन इनटू क्वेश्चन,
TINT क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या था, रिमाइंडर, क्या था रिमाइंडर, 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 ठीक है, ये होता है और सारी गलती रिमाइंडर, सॉरी सही सही तो पहले रिमाइंडर ये फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए अब 5 हम 17 में जाए तो 3 अपन क्या है 2, तो इससे क्या बोलते हैं हम, ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसे, रिमाइंडर, ठीक है इसे रिमाइंडर, और इसे डिवीजर, डिवीजर, और इसे बोलते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड, समझ आ गई ना, कि डिवाइडेंड बोलते हैं। ऐसे कैसे प्रूव करेंगे हम, अंदर समझ गए समझ तक, 17 इजिकल टू होता है 5 × 3 +2, और देखो 15 + 2 17 आया नहीं आया, तो हम कह सकते इट इज करेक्ट। देखिए डिवाइडेंड 5 क्वेश्चन 3 इंटू 15 और रिमाइंडर 3, इसमें प्लस रिमाइंडर कर देंगे हम, रिमाइंडर कर देंगे ये प्लस कर देंगे, समझ आ गई ना, ये ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ समझ आ गई, क्लियर होगी ना, होगी बहुत आसान तरीका है, एकदम समझ आ गई होगी, ठीक है इस पर आते क्वेश्चन करा देंगे हम, ठीक बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ देन दिस बाय दिस, पुट कर देंगे हम, डिवाइड द फॉलोइंग बाय दिस, देखिए देखिए फैक्टराइज ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम भी कह सकते हैं, चलो करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 1, ये एक्स कितना दे रखा है बताइए, x² x³ 3x² +3x+1, ठीक है जी, और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई आपका है x+1, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। तो देखिए पता क्या करेंगे, देखिए x+1 का डिवाइड कीजिए ऐसे, कितना आएगा x³ +3x² +3x+1, इसके इसमें डिवाइड दीजिए, देखो इसके इसमें डिवाइड दीजिए, डिवाइड देखो अगर दिखाता हूँ आपको ऐसे, डिवाइड करने पर पावर माइनस होती है, डिवाइड करने पर पावर माइनस होती है, तो पावर कितना है इस पर, 3 - 1, 1 पावर माने तो एक्स पे पावर कितनी आएगी 2, ओनली 2 आएगी 2, ठीक तो ऐसे ही इसका डिवाइड करो तो कितनी पावर आएगी, स्क्वेयर, इसे इंटू कीजिए एक्स, एक्स पावर 2 + पावर 1 3, इसके से कीजिए x² या माइनस, या माइनस ये कैंसिल हो गया ना, हो गया अब 3x² में से x² गया, तो पता क्या, सॉरी इस साइन को नहीं मानेंगे, नए वाले को मानेंगे, नए वाला ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो x² +3x+1 +1, इसका इसमें डिवाइड कीजिए 2x, कैसे 2x² / x, एक्स एक्स कट क्या बचा सिर्फ ये x, दो बार एक्स एक्स कट गया, डिवाइड करने पर पावर माइनस, इसका इससे इंटू करो 2x² 2x इससे करो 2x - माइनस, तो कटा नहीं कटा कितना आया x+1, अब x+1 का डिवाइड 1 का सेंटू करना, जीरो, तो समझ आ गई ना क्या पूछा है, रिमाइंडर क्या पूछा है, रिमाइंडर पूछा,
क्या पूछा? रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा? जीरो। रिमाइंडर कितना? जीरो। ऐसे पुट करना है, समझ आ गई ना? ये मेथड है इसका हल करने का। दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक्स दिस, ये तो है, तो पता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्स बराबर क्या रखना? हाफ रखना। एक्स जीरो लिखा कि प्लस को जाए तो ये इसमें रख दो आप, इसमें पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब 3x² + 3x + 1, 1/2 पावर कितना आ जाएगा? 3, और 1/3 पावर 2 वैसे आ जाएगा, समझ आ गया कि? और प्लस 3 ऐसे करना है, इधर होगी ना होगी, समझ आ गया बच्चों? x पे पावर कितना है? 3, तो 3 पावर 1/2 रख देंगे, 3 इंटू सॉरी पावर कितनी है? अच्छा सॉरी 1 है, हाफ हाफ है, हाफ हाफ का क्यूब और 3 हाफ का स्क्वायर और 3 इंटू हाफ ऐसे ले लेने जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आया, 1/8, और 3 देखो 3 इंटू कितना है? 1/4 प्लस 3/2 + 1, 1/8 + 3/4 + 3/2 + 1, एलसीएम कितना है इसका? 4, कितना आया एलसीएम? 4। अब 8 का डिवाइड इसमें कीजिए कितना आया? एलसीएम कितना? 8 आएगा ना, एलसीएम 8, 1, इसका डिवाइड कितना आया? 2, 3 जा 6, 2 3 जा 6, इसका डिवाइड 4, 4 3 जा 12, अपॉन 1 लिख लो, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 8। फिर दोबारा कीजिए इस क्वेश्चन को, करना कुछ नहीं है, हाफ रख देना एक्स की जगह पे, एक्स की रिप्लेस कर दो भाई, और कुछ नहीं है ये, 20 27 आ गया, 27/8 दैट इज आंसर। ये क्या है? रिमाइंडर। कितना है रिमाइंडर? रिमाइंडर है 27/8। करना कुछ नहीं बच्चों, पावर 3 है तो 3 बार लिख लो, हाफ को पहले सॉल्व करके इसके इनटू करेंगे हम, ऐसे इसका 3 बन जाए 3/2, इसमें आंसर दे रहे आपका आंसर आ जाएगा, इधर हो गया हो गया, ठीक, वेरी नाइस, ओके। 4 3 जा 12 और 8 20 27, बिल्कुल सही आ रहा आंसर, ओके। आगे चले, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर पॉइंट हो रहे हैं, और एक ही पॉइंट टू पॉइंट क्लियर, और एक बेसिक चीज से बेसिक सिखा रहा हूं मैं, ताकि बच्चे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2, इसमें लिखा हुआ है, अच्छा इसका थर्ड थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट कर लेता हूँ और ज्यादा इजी है, x+π क्या है? तो इधर किसका हो जाएगा? -π हो जाएगा। अब पी एक्स कितना है? x³ + 3x² + 3x + 1, ये तो है। अब क्या करो, -π रख दो हर जगह, ऐसे इससे भी आ जाएगा आंसर, -π² (3 - π + 1) इधर -π³ हो जाएगा, 3π² हो जाएगा, -3π + 1, ये रिमाइंडर आ गया। ये क्या है? रिमाइंडर क्या है इसका? क्यूब भाई, -π (-π) (-π) -π - प्लस फिर माइनस, इसलिए -π। इधर हो गया ना हो गया, यही आंसर है इसमें, तो माइनस तो होगा नहीं, किधर हो गया बच्चों? और क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम, कौन सा? सेकंड,
साइड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसे पुट करना और कुछ नहीं करना, एक्स कितना दे रखा है, क्या देखा है, पी एक्स, पी एक्स कितना दे रखा बताइए, पी एक्स दे रखा आपका एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए डिवाइड बाई क्या लिखा है, एक्स माइनस ए, ये किसका साइन है, ए, हर जगह रख दो, हर जगह ए पैक क्यू ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए, क्लियर, इसका स्क्वायर कितना है बताइए, नाइन है, नाइन ए कितना है, ए एक्स ए सॉरी ए ए पावर थी, अच्छा ए स्क्वायर इंटू ए पावर थी आया नहीं आया भाई, कितना हो गए, फाइव ए, ये से कैंसर कितना आया, फाइव ए, फाइनल रिमाइंडर पूछा ना, फाइव आंसर आया, क्या आया, फाइव ए। ऐसे नेक्स्ट है चेक करना है तो वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था ये, सेकंड, क्लियर हो गया, ऐसे थर्ड ओनली पुट करना, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन थर्ड क्या करना है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स ओके टू प्लस थ्री एक्स इज फैक्टर, चेक करना है फैक्टर है या नहीं, तो थ्री एक्स इज इक्वल कितना आया, माइनस सेवन एक्स इज इक्वल कितना आया, माइनस सेवन अपॉन थ्री, सेवन अपॉन थ्री हर जगह रख दो ऐसे, क्या रखना है, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस सेवन अपॉन थ्री, माइनस सेवन अपॉन थ्री, अब देखिए थ्री इंटू कितना आएगा, फोर्टी नाइन अपॉन नाइन, और यहाँ कितना आएगा, फोर्टी नाइन अपॉन थ्री, माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस क्या होता है, फोर्टी नाइन अपॉन थ्री, इसका और सिर्फ होती है तो थ्री से थ्री कटा नहीं कटा, तो फोर्टी नाइन अपॉन थ्री माइनस फोर्टी नाइन अपॉन थ्री कितना आंसर आया, जीरो, कितना आया आंसर, जीरो, तो इसमें फोटो एक्स की वैल्यू करते कुछ नहीं करना, ये एक्सरसाइज होगी खत्म, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे, ये दो एक्सरसाइज एक वीडियो में डाल दी मैंने, बहुत इजी मेथड है, ओनली पुट करना है भाई, सेवन्थ क्लास का आठवीं एट्थ क्लास का जो बेस बच्चों की दे रहा ना, इस एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेवन्थ एट्थ के, ये तो फंड, ये तो नॉर्मल चीज़ है, सब बच्चों को आना चाहिए, क्लियर, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, जवाब हम देंगे, ठीक है जी, और पूरा ध्यान दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ठीक, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द पहुंच जाए, जय हिंद जय भारत, ओके।